Hello everyone, welcome to Piggy's Rosoi. आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल पालक की सब्जी। मूंग दाल पालक की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्ट होता है और इस ठंडे ठंडे मौसम में और इस मूंग दाल पालक की सब्जी का स्वादिष्ट और भी मज़ेदार लगता है। तो आप जानना चाहते हैं मेरे पालक और मूंग दाल की सब्जी कैसे बनाई है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन को गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 कप मूंग दाल लिया है और मूंग दाल को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। आप इसको थोड़ी देर तक भून ले, ज़्यादा मत भूनना, नहीं तो वो जल जाएगा। हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं एक पैन में 2 कप पानी डाल रही हूँ और पानी को अच्छी तरह से गर्म होने दें। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ जो सारे सब्जियों को मैंने फ्राई करके रखी थी यहाँ डाल देती हूँ। सब्जियों में मैंने लिया है गोभी, पालक, आलू और बैंगन। पालक को यहाँ नहीं डालना है, पालक को मैं बाद में डालूंगी। मैंने यहाँ गोभी, आलू और बैंगन को यहाँ डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। अब हम इसको 4 मिनट के लिए इसको ढंग के रख दें ताकि हमारा जो सब्जी है थोड़ा सा बॉयल हो जाए। देखिए 4 मिनट हो गया है और हमारा जो सब्जी है वो थोड़ा सा बॉयल हो चुका है। अब मैं यहाँ मूंग दाल को यहाँ डाल देती हूँ। मूंग दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ करके उसका सारा पानी निकाल के मैं यहाँ डाल देती हूँ। फिर से हम इसको 10 मिनट के लिए ढंग के रखना है, हमारा जो मूंग दाल है और सब्जी है अच्छी तरह से पक जाए। तब तक के लिए हम मसाले की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पैन को गर्म कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल दें। 2 चम्मच हम प्याज डाल देंगे। प्याज को इस तरह से आपको कट करके डालना है। और 2 चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। थोड़ी देर तक इसको पकने दें। अब मैं यहाँ 2 चम्मच अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला ले सबको। मसाले को हम जितने देर तक भूनेंगे उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बस मीट मसाला का पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से भून ले सबको। थोड़ा सा धनिया का पत्ता यहाँ डाल देते हैं। हम यहाँ बारीक कटे हुए पालक को डाल देंगे और अच्छी तरह से मसाला के साथ अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा नमक यहाँ डाल देंगे। ध्यान रखें हम सब्जी और मूंग दाल में नमक डाले थे और मसाले में यहाँ नमक डाल रहे हैं, आप उसी हिसाब से नमक डालें। तब तक के लिए भून लें, तब तक के लिए पालक आपका अच्छी तरह से पक जाए। हमारा पालक और मसाला जो पेस्ट है अच्छी तरह से बन चुका है। देखिए हमारा मूंग दाल और सब्जी अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम जो मसाले की तैयारी कर रहे थे इस मसाले को हम यहाँ डाल देते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और इस ठंडे मौसम में मूंग दाल के साथ पालक के सब्जी वो खाने में बहुत टेस्ट होता है। आप इसको चपाती के साथ और राइस के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने यहाँ भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देती हूँ। भुना हुआ जीरा पाउडर डालने से उसका खुशबू और ही ज़्यादा अच्छा आता है और खाने को और स्वादिष्ट बनाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे। 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब यहाँ हम फिर से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल पालक की सब्जी बनके रेडी है। आप इसको जरूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने कमेंट शेयर करें। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फॉर वॉचिंग।